हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर मिनी व्लॉग। सो आज है डे 71। सबसे पहले जय माता दी, अपना लिख लेते हैं मॉर्निंग का थॉट। ये मैं जो है नहाने के बाद ही लिख रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या हुआ था। नहाने के बाद मैंने सबसे पहले लिखा मॉर्निंग थॉट, और उसके बाद देखो खाने में ये दाल जो है मैंने कल बनाई थी, तो सुबह तो हम इसे खा सकते थे, और दही थी और मैंने बना ली थी रोटी सुबह के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है, काफ़ी थका थका फील हो रहा था। 9 बज चुके थे, उठते ही पहले मैं नहाई इसीलिए, और सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद मैं लैब में जाके एक बार लैब ओपन करके आई, फिर हेल्थ सेंटर चली गई थी, तो वहाँ से मुझे पता लगता है कि मेरा जो है आज बीपी लो है, बीपी डाउन हो गया। फर्स्ट टाइम हुआ है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। तो खाने में जो है ये सब था, मैं आपको दिखा देती हूँ। अचार मैंने पहले ही रख रखा है, आपको बताया था, और ये जो है रोटी और लस्सी मैंने दही की बना ली थी। तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही निकली थी, दाल गर्म हो रही थी, लेकिन मेरी हालत आज इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे वापस आना पड़ा, और आके मैं काफ़ी देर सोई हूँ, यूँ मान लीजिए 2 बजे के राउंड तक। और उसके बाद जो है मैंने फिर ये कॉफ़ी ली है, क्योंकि बीपी डाउन में मुझे कॉफ़ी बताई थी उन्होंने शुगर ज़्यादा डाल के, तो मैं ये ओआईटी में बैठ गई थी जाके, और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ओपन करने के बाद मैंने काफ़ी कैपेचिनो वाली बनवाई थी कि काफ़ी शुगर हो और अच्छे से मैं इसको पी सकूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर मैं जो है डॉक्टर के पास गई, वहाँ से दवाई लेके आई। उसके बाद जो है यहाँ पर डॉक्टर जो है लेट आना था, वहाँ पे उस टाइम तक आया नहीं था वो डॉक्टर, जो है 5 बजे तक कुछ रहता होगा। तो फिर मैं शाम को लेके आई थी उससे दवाई। उसके बाद जो है मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चली गई, यहाँ घूमे, फिर मेरा थोड़ा सर में आराम हुआ। सो गाइज, आज मेरा बीपी लो था, बहुत ही बुरी कंडीशन थी, मुझे भी नहीं पता कैसे लो हुआ कैसे नहीं। मेरा बीपी जो है 100/60 था आज, और जो कि मतलब जिसकी वजह से मुझे डिजीनेस, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, वीकनेस बहुत थी। तो मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, और ये मैं एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसमें डिसॉल्व कर लिया है कि अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो पढ़ लूँगी, क्योंकि क्लासेस तो देखो रेगुलर चलती हैं। अब देखो मैं काफ़ी बेटर हूँ, और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हो गया। आज पूरा दिन से मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हुआ, लेकिन क्लास हम लेंगे, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। बट खाने का आज मेरा कुछ रूटीन नहीं रहा, क्योंकि फ्रूट्स ही खाए हैं, और बाकी जो है अभी बाहर से मैंने खाया था खाना। यहाँ पर मैस होती हैं, बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती है कैंपस में, तो मैंने आज मैस से एक परांठा ही खाया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, चाय के साथ। अभी बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो दलिया बनाने की सोच रही थी, लेकिन दलिया मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक हूँ मैं। ये देखो टाइम हो चुका है 9:25 का, यानी कि 9:30 का। तो अब अपनी क्लासेस ले लेते हैं, लाइट्स में सारी ऑन कर देती हूँ, ये लाइट्स भी मैं अभी ऑन करती हूँ पढ़ते टाइम में सिर्फ लैम्प। बाकी अभी एक बार टेबल को थोड़ा ठीक कर देती हूँ, मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड कवर है, ये मेरी फिजिक्स की कॉपी है, तो तीनों क्लासेस जो हैं अभी स्टार्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है शाम तक, तो अभी करेंगे। और ये जो है सिलेबस मैं आपको डिस्कस करूंगी, एक बार मुझे ठीक होने दो, एक दो दिन का और टाइम दो। लास्ट सुबह से मैं स्टार्ट करती हूँ जनरल पोर्शन, और आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर डिवाइड कर रखा है, तो कम्प्लीट सिलेबस आपको जो है डिस्कस करूंगी, उसके बाद ही क्लास लूंगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। कहीं से पढ़ लेना, बस सिलेबस का प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं एक बार टेबल सेट कर लेती हूँ, उसके बाद लेते हैं अपनी क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो जनरल सेक्शन में आज कुछ नहीं रहेगा, सॉरी फॉर डैट, कोई मैं कुछ नहीं कर पाई सुबह उठ के, सिर्फ खाना ही मैंने मुश्किल बनाया था। और ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रखा है, ये इसलिए कि मैं अभी पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो, अदरवाइज दोबारा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी करते हैं क्लासेस स्टार्ट। सो, यहाँ पर अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, वो मैंने आपको दिखाई दिया कि आज ना तो कुछ खाने का रूटीन हो पाया है, और पानी ही पानी पिया जा रहा, पानी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया आज, लेकिन फिर भी थोड़ा खाने पे ध्यान है आज। तो क्लास ले लेते हैं जितना भी मुझसे लिया जाएगा, जितनी क्लास भी होगी। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री क्लास ले रही थी, केमिस्ट्री में मैं आपको बता देती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज मैंने स्टार्ट की है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 10th क्लास की बेसिक से स्टार्ट करना, फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग, IUPAC, जो 10th क्लास की बुक है, लखवीर सिंह वाली बुक ले सकते हो, NCERT ले सकते हो, तो वहाँ पर आपके पास जो केमिकल बॉन्डिंग है वहाँ से आप पढ़ सकते हो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हाइड्रोकार्बन आपका चैप्टर है। उसके बाद आप 11th क्लास की केमिस्ट्री पे जाना, लेकिन आज सिर्फ मैंने बेसिक किया है चेन और IUPAC नेमिंग, बिल्कुल कॉमन वाली, बाकी मैंने कोई क्लास नहीं लिया, क्योंकि बाकी क्लास जो रिकॉर्डिंग पे चली हुई थी अभी तक आई नहीं थी रिकॉर्डेड फॉर्म में, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि तबीयत एकदम देखो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है टाइम हो गया था
11:45 का और मेरा दवाई लेने का भी टाइम हो गया था, दवाई लेके मुझे सोना था। तो आज के व्लॉग में भाई कुछ ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती, कल फिर से मिलते हैं एक नए मिनी व्लॉग के साथ, उसमें मैं आपके साथ यही दो क्लासेस जो मेरी आज की पेंडिंग है बायो की और फिजिक्स की वो भी शेयर करूँगी और कल की 3 क्लासेस भी, तो 5 क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, वो मैं आप कर लूँगी बाइंड अप, मुझे पता है मैं कर लूँगी, तो मैं कल जो है 5 क्लासेस ले लूँगी। आज मेरे से एक ही ली गई है तो मैंने 1 क्लास ली है, 2 क्लास आज की पेंडिंग है। और उसके बाद देखो मैं ये सामान लेके आई थी, तो ये सामान जो है अब थोड़ी ठीक हूँ तो इस सामान को अच्छे से रख देती हूँ, जहाँ मुझे रखना है वॉश करके रख देती हूँ। बाकी जो सब्ज़ी वगैरह है, मटर लेके आई थी, धनिया और ये जो है खीरे लेके आई थी और राइस थे, और बाकी बर्तन वगैरह हैं वो वॉश कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर एनी क्वेरीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।